वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक रेसिपी विद प्रीति। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की खस्ता कचौड़ी, वो भी स्पेशल ट्रिक के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आलू की खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए ये मैंने लिए आधा किलो मैदा। आप मैदा की जगह आटा भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच अजवाइन। और अजवाइन ना इस तरह से हथेली पर लेके अगर इस तरह से क्रश करके डालते ना तो उसका टेस्ट और अच्छा होता है। और अब इसमें डाल देंगे मैदा के हिसाब से नमक और इन दोनों को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे नमक प्रॉपर पूरी मैदा में हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे रिफाइंड ऑयल या जो भी आप ऑयल खाते हैं मोइन के लिए हो। अभी मैं थोड़ा डालती हूँ, पहले थोड़ा डाल के इसको मिक्स कर लेती हूँ। हमें ऑयल उतना डालना है जिससे कि हम जैसे इस तरह से मुट्ठी बांधें तो हमारी मुट्ठी बन जाए। ये मैंने 150 ग्राम के करीब लगभग वो लिया था ऑयल, तो मैं इसे मिला के तब देखूंगी कितनी ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा मैं और डाल लेती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमारा आटा मतलब जो हमारा डो है ना उसका कचौड़ी का वो तैयार है। ये देखिए इतना सॉफ्ट जिससे हमारी उंगली आराम से चली जाए, जैसे हम रोटी और पराठे का बनाते ना उसी तरह का। अब हम इसे ढक के कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट रख देते हैं इस तरह से, जिससे हमारी मैदा अच्छे से ढल जाए। अब हम ले लेते हैं एक पैन और इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच ऑयल और इसमें थोड़ा सा जीरा और 1 हरी मिर्च। इनको इस तरह से भून लेते हैं थोड़ा जितना हमारा जीरा चटक जाए। तो ये देखिए हमारी मिर्ची और जीरा अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं और इसकी फ्लेम जो है ना बिल्कुल लो कर लेंगे जिससे हमारे मसाले जले ना। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और हींग थोड़ी ज़्यादा सी डालेंगे, 1/4 टीस्पून के करीब हींग। हींग क्योंकि कचौड़ी में ना हींग बहुत अच्छी लगती है। अब हम इनको थोड़ा सा भून लेते हैं इस तरह से। अब ये देखिए मसाले हमारे थोड़ा सा भून लिए मैंने। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ये मैंने लिए 2 चम्मच बेसन। बेसन डालने से क्या है जो हमारे आलू ना पानी छोड़ देते हैं, तो अगर हम बेसन डालेंगे तो हमारे आलू बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेंगे और बहुत अच्छी हमारी कचौड़ी बनेगी, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होंगी। और इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है बेसन को जब तक ये खुशबू ना आने लगे। अब ये देखिए हमारा बेसन भी अच्छे से भुन गया है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू सी आ रही है जैसे हमारी बेसन भुनने में आती है ना उसी तरह से। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ये मैंने 4 आलू इनको कद्दूकस कर लिया है। और अगर आप ऐसे ना करें तो आप अच्छे से मैश कर लें जिस इन्हें ना आलू को। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई गुठली ना रहे, गुठली रहेगी ना तो हमारी कचौड़ी जो है वो फट जाएंगी। और अब हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। और इसी समय हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक और थोड़ा सा नॉर्मल जो हम नमक खाते हैं ना वो। आमचूर आपके मन है, आप डालना चाहे डालें, ना डालना चाहे ना डालें, पर अगर आप डालेंगे तो कचौड़ी का जो टेस्ट है ना वो और अच्छा होगा। थोड़ा सा चटपटा, थोड़ा खट्टा तो उसका अच्छा फ्लेवर आता है, तीखा खट्टा। तो अगर आपका मन नहीं है और आपको नहीं पसंद है आमचूर डालना तो आप ना डालें। अब मैं इसको अच्छे से इस तरह से करते करते भून लेती हूँ। अब ये देखिए हमारे आलू जो हैं वो भी बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इन्हें निकाल के एक प्लेट में ठंडा कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारे जो आलू हैं ये ठंडे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे इसकी ना छोटी छोटी सी गोली बना लेंगे इस तरह से, जितना बड़ा नींबू होता है ना उतना इस तरह से।
उससे क्या है, जब हम स्टफिंग करेंगे ना तो वो इक्वल हमारी पूरी कचौड़ी में इक्वल आएगा। ये देखिए इतने बड़े बड़े इस तरह से बना बना के एक प्लेट में रख लेती हूँ, इस तरह से। ये देखिए अब हमारे, ये देखिए हमने आलू के इस तरह से ना गोले से बना के रख लिए हैं। और अब हमारे मैदा को रखे हुए भी 20-25 मिनट हो गए, अब हम अपनी मैदा भी देख लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट हो गई है हमारी मैदा। अब हम इसको एक बार और थोड़ा सा हाथ से इस तरह से कर लेते हैं। ये देखिए, और अब हम इसमें से दो पीस कर लेते हैं इस तरह से, और इसकी छोटी छोटी बॉल, जितना बड़ा जैसे नींबू रहता है ना उतनी बड़ी बड़ी हम बॉल्स तोड़ लेते हैं। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा साइज, इसकी गोली सी बना लेते हैं। और हम उसको अच्छे से इस तरह से लोई बना के ना, और हमें क्या करना है, इसमें बीच में सेंटर में इस तरह से करना है। और बीच में हमें ज्यादा पतला नहीं करना है, इस तरह से जैसे कटोरी होती है ना उस तरह से हमें करना है इसको। इस तरह से। और अब हम इसमें सेंटर में ये अपनी एक बॉल सी रख लेंगे आलू की, और इसको ना ऊपर करते हुए इस तरह से इसे अंदर फिल करते हुए इसको अच्छे से, और हम क्या करेंगे इसको ना अच्छे से इस तरह से कर लेंगे, जिससे कि हमारा ये जो मैदा ना अच्छी से लोई बन जाए और खुले ना। और इसको इस तरह से करते हुए इसको भी इसी में प्रेस कर देंगे, और दोनों हथेली से इस तरह से, देखिए अब इसे बेलने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से आप हथेली से करेंगे ना ये इस तरह से, तो ये अच्छे से ये देखिए हमारी कचौड़ी बिल्कुल तैयार है भर के। ये देखिए कहीं से खुली भी नहीं है, और इसी तरह से हम एक एक कचौड़ी भर लेते हैं पूरी अपनी। इसे बेलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो है मैदा हमारी देखिए सॉफ्ट है, कितनी आपको लग रहा है ना बिल्कुल। तो इसी तरह से हम सब बना बना के रख लेते हैं। अब हमने कढ़ाई में अपना ऑयल गर्म होने रख दिया है, और हम ऑयल जो है ना बिल्कुल लो मीडियम उस पर फ्लेम पे हम ये कचौड़ी अपनी बनाएंगे। तो हम ये इसमें छोटा सा मैदा का टुकड़ा डाल के देख लेते हैं कि हमारा ऑयल कितना गर्म है। ये देखिए बस हल्का से जो बुलबुले हैं वो निकल रहे हैं, और बस इतना ही हमें चाहिए। अब हम इसमें एक एक करके अपनी कचौड़ी डाल देते हैं इस तरह से, और हम इनको तब तक नहीं छेड़ेंगे, ये अपने आप धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगी। इसी तरह से हम लो फ्लेम पे इनको छोड़ देते हैं, इनको ऐसे ही हल्की आंच पे धीरे धीरे पकने देते हैं। ये देखिए अब ये धीरे धीरे हमारी कचौड़ी ना ऊपर आने लगी, जब ये हल्की होने लगी ना तो ये ऊपर आ जाएंगी इसी तरह से, इनको अभी कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से सब कचौड़ी हमारी ऊपर आ जाएंगी। ये देखिए हमारी सभी कचौड़ी कितनी अच्छी फूली है, बस इसका ये ध्यान रखना है कि इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ये अपने आप इसी तरह से फूल जाती है। इनको बिल्कुल भी मैंने ना हिलाया है ना किसी तरह से भी, अभी हमें तब इनको पलटना है जब एक साइड हमारी थोड़ी सी अच्छी सी हो जाएगी, मतलब हल्का सा ये ना हल्का सा ब्राउन होने लगे तब हम इसको पलटेंगे। अभी हम इसी तरह से छोड़ देते हैं इनको। अब ये देखिए कितनी अच्छी फूली हुई है, अब हम इनको एक स्पून की मदद से ना धीरे से पलट देते हैं। ये देखिए इस तरह से, अब ये देखिए हमारी कचौड़ी बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। आलू की खस्ता कचौड़ी बनके तैयार है, एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।